हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो भी करण जौहर ने। जी हाँ, इस फिल्म के लीड हीरो तो रहेंगे टाइगर श्रॉफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टाइगर श्रॉफ के साथ रहेंगी दो बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनें जिन्हें अभी तक साइन नहीं किया गया है। ये है करण जौहर का ट्वीट जो हाल ही में आया है। और इसके साथ ही एक और दुविधा यहाँ पर आ चुकी है कि इनकी फिल्म रिलीज़ होगी 23 नवंबर। जी हाँ, बहुत बढ़िया रिलीज डेट चूज़ करी है, लेकिन उस समय थग्स भी रिलीज़ होने वाली है, वो भी 7 नवंबर। तो एक लंबा मतलब उतना टेंशन नहीं इस फिल्म के लिए, लेकिन इसको इसके बाद तो भैया इसे दिसंबर में सीधा टक्कर आने मिलेगी। 3-4 मूवी बड़ी बड़ी है, यानी कि इससे जो भी कमाई करनी होगी सिर्फ 2 हफ्ते में करनी होगी मुश्किल से। द टू न्यू लीडिंग लेडीज विल बी अनाउंस नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने 2 लीडिंग लेडीज फिल्म जो होगी वो अनाउंस होगी। द फ्रेंचाइजी फोकस अहेड अंडर बेटर डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जो एक अपने आप में अच्छी बात है। फॉक्स स्टार हिंदी प्रोड्यूस करेगा। अपूर्व मेहता आई थिंक प्रोड्यूस करने वाली है, सीईओ जो धर्म प्रोडक्शन के हेड है अपूर्व, और टाइगर श्रॉफ तो है ही है। तो कितनी बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, कितना एक्साइटेड इस न्यूज़ को जानकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो ना भूलिए। और क्या लगता है कौन सी होंगी 2 नई हीरोइन जिनका तकदीर बदलने वाली इस फिल्म से? मुझे लगता है नई हीरोइन ही होंगी, कोई पुरानी नहीं होंगी। चलिए फिलहाल इतना ही।